सब प्रबंध हो गया? सुरक्षा के लिए पूरे मार्ग में हमारे साथी जगह जगह पर फैले हुए हैं। हमें नदी पार करनी होगी। नाव के साथ हमारे साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मथुरा नरेश के गुप्तचर? हमारी दृष्टि है उन पर। राजकुमार बलराम के जाने के बाद हम उनके गुप्तचरों को गुप्त कर देंगे। मैं बलराम को भेजने की व्यवस्था करता हूं, तुम मेरे संकेत की प्रतीक्षा करो। इसी बच्चे ने विषैली पूतना का वध किया था यशोदा। भूल गई तुम? कंस के असुर साथियों का वध इसी बच्चे ने किया था। कालिया नाग को इसी बच्चे ने विवश किया था अपनी शरण में लाने के लिए। और इसी बच्चे ने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल की रक्षा की थी। जानती हूं मैं। कृष्ण के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, सब याद है मुझे। सब याद है, फिर भी कृष्ण की चिंता कर रही हो यशोदा? कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण भगवान है यशोदा। और तुम क्या सोचती हो? मैं नहीं चाहता कि कृष्ण हमारे साथ रहे। अरे मैं तो चाहता हूं कि कृष्ण हमें छोड़कर कभी जाए ही नहीं। परंतु अब मैं अपने आप को समझा रहा हूं यशोदा, कृष्ण मोह से बाहर आने के लिए और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही सोचो। जिसे हम अपना पुत्र समझ रहे हैं ना, यदि हम उसे भगवान मानेंगे तो हम अशांत नहीं रहेंगे और हमें कोई भी चिंता परेशान नहीं करेगी यशोदा। बस ऐसा सोच लो जैसे हमें कोई संतान हुई नहीं। अक्रूर जी, सुमनलता ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। हाँ यादव रानी जी, बलराम को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजना है, अभी इसी समय। मेरे साथी बाहर बलराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आप उसे तैयार कर दीजिए। बलराम को मेरे साथियों के साथ अकेले ही जाना है। मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। जहां कृष्ण वहां बलराम। परंतु कृष्ण मथुरा जा रहा है। तो मैं भी कृष्ण के साथ मथुरा जाऊंगा। बलराम, अखरूर जी चाहते हैं कि तुम किसी सुरक्षित स्थान पर रहो। कान्हा का साथ ही सबसे सुरक्षित स्थान है। क्यों हट कर रहे हो बलराम? हट नहीं मैया, बड़े भाई होने का धर्म निभाना चाहता हूँ। कृष्ण को मथुरा नरेश कंस ने मथुरा क्यों बुलाया है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कृष्ण के कदम कदम पे संकट होंगे और आप चाहती हैं कि मैं उसे अकेले ही मथुरा जाने दूं। मैं उसका बड़ा भाई हूं, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अक्रूर जी क्यों हम दोनों भाइयों को अलग अलग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है बलराम। एक भाई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर और दूसरे को मृत्यु के मुंह में धकेल कर, और क्या अक्रूर जी को यह विश्वास है कि कृष्ण के बाद मथुरा नरेश मेरा पीछा नहीं करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटे को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। जाएंगे तो हम दोनों भाई साथ जाएंगे। मैं कृष्ण के साथ था और सदैव ही उसके साथ रहूंगा। बलराम, ये समय भावनाओं के अधीन होकर निर्णय लेने का नहीं है। अक्रूर जी, यादव राजकुमार का सेवक, सेवा करना सेवक का धर्म होता है। वैसे ही अपने स्वामी की रक्षा करना भी उसका धर्म होता है। तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का निर्णय जो लिया है वो तुम्हारे ही हित में है। क्या मेरा और कान्हा का हित अलग अलग है गुरुजी? हाँ बलराम। बलराम और कृष्ण का हित अलग अलग कैसे हो सकता है अक्रूर जी? दोनों ही तो यादव राजकुमार हैं। नहीं यादव रानी जी। अक्रूर जी, बलराम को मैंने जन्म दिया है। परंतु मथुरा नरेश इस सत्य से परिचित नहीं है यादव रानी जी। मथुरा नरेश के लिए ना आप अस्तित्व में हैं, ना ही राजकुमार बलराम। मथुरा नरेश कंस जानता ही नहीं है कि कृष्ण का कोई बड़ा भाई भी है। यदि वो जानता होता तो आज तक कृष्ण के साथ साथ बलराम को मृत्यु के हवाले करने के लिए उसने अपने राक्षस साथी भेजे होते, परंतु उसने नहीं भेजे, क्योंकि मथुरा नरेश के अनुसार बलराम वासुदेव जी का पुत्र ही नहीं है। इसी का लाभ उठाना चाहता हूं मैं बलराम। मथुरा नरेश जब तक इस सत्य से परिचित नहीं होंगे तब तक तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रहना होगा। अर्थात आप मुझे बचाकर कान्हा को मृत्यु के मुंह में झोंकना चाहते हैं? नहीं अक्रूर जी, मैं कृष्ण के साथ रहूंगा, कृष्ण का साथ दूंगा। कंस कृष्ण का वध करना चाहता है बलराम। बलराम के होते हुए यह कार्य असंभव है अक्रूर जी। बलराम कृष्ण के सारे संकट अपने ऊपर मोड़ लेगा, स्वयं प्राण दे देगा, परंतु अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। परंतु बस अक्रूर जी, आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए, परंतु मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने से मत रोकिए।
मैं कृष्ण के साथ हमेशा था और हमेशा रहूंगा। जाएंगे तो हम दोनों भाई साथ जाएंगे। हम किसी भी पल मथुरा के लिए निकल पड़ेंगे। सबको सतर्क रहने के लिए कह दो। जो आज्ञा क्रूर जी। प्रणाम। मैया मैया मैया। मैया
नंद रानी जी यहाँ नहीं है कन्हैया? तो फिर कहाँ है? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, मैया कहीं नहीं है। कन्हैया तुम तैयार हो ना? मैया कहाँ है पिताजी? मैं मैया से आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। मैया कहाँ जाएगी कन्हैया? यहीं कहीं घर में ही होगी। नंदराजी, मथुरा जाने में विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं। हम देर करेंगे तो वहां मथुरा नरेश का धनुष यज्ञ सफल हो जाएगा। कल हमारे धनुष यज्ञ का अंतिम दिन है, अर्थात कल हमारा धनुष यज्ञ समाप्त हो जाएगा और हम और कृष्ण ने अभी तक गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान नहीं किया है महाराज। और यदि वो प्रस्थान कर भी ले तो मथुरा के मार्ग पर हमारा मित्र वृषभासुर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या उस ग्वाले कृष्ण को आपका धनुष यज्ञ होने तक मथुरा के बाहर रोकना है? अरे वाह वृषभासुर, तुम तो अंतर्यामी हो, अंदर की बात तुम्हें पता चल जाती है। जब तक वृषभासुर के शरीर में प्राण है तब तक कृष्ण मथुरा नहीं आएगा। मथुरा नरेश, बताइए ना पिताजी, मैया कहाँ है? मैया ने आपको बिना बताए कभी कोई काम नहीं किया है, मैया ने सदैव आपकी अनुमति ली है। मंदिर भी जाना हो तो उन्होंने आपको बताया है। मैं छोटा तो हूं परंतु आपकी इस छुप्पी के पीछे के अर्थ को मैं पढ़ सकता हूं। मैं जानता हूं मैया नहीं चाहती कि मैं मथुरा जाऊं, इसीलिए वो मुझसे रूठ गई है, मुझसे क्रोधित हुई है, अपनी पीड़ा दूसरों से छिपाने के लिए मैया का छिप जाना उनकी पुरानी आदत है। परंतु मैं मथुरा नहीं जाऊंगा पिताजी, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैया मुझे आशीर्वाद देकर विदा नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कन्हैया,
मैया ना तो तुमसे रूठी है और ना ही क्रोधित हुई है। तो फिर मैया कहाँ है पिताजी? यशोदा तुम्हें गोकुल से जाते हुए देख नहीं सकती थी कन्हैया? इसीलिए वो दादी माँ के घर चली गई। दादी माँ के घर?